मीरा को पहले ब्रेस्ट कैंसर था लेकिन अब वो ठीक हो चुकी थी। लेकिन कैंसर के वापस आने का डर हमेशा रहता है। कैंसर के वापस आने के डर से मीरा थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। इस पर हेनरी उसे बाहर डिनर के लिए ले जाता है। हेनरी ने मीरा को देख लिया था कि वो खुद को चेक कर रही है। डिनर पर वो उससे पूछ लेता है। मीरा कहती है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन मुझे लग रहा है। हेनरी कहता है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है, तुमने पहले भी बहुत बहादुरी से कैंसर से लड़ा था और इस बार भी वही होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वापस घर आने पर ये दोनों अपने घर को देखते हैं जो शहर की भागदौड़ से दूर एक शांत जगह पर है। हेनरी एक आर्किटेक्ट है और इसने अपना घर खुद डिजाइन किया है, जिसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। घर के अंदर आने पर ये दोनों देखते हैं कि इनका घर पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है। इनके घर में शायद चोर घुस आए थे जिन्होंने हेनरी का ऑफिस भी नहीं छोड़ा। पुलिस के आने पर पता चलता है कि इनके घर से ज्यादा कुछ चोरी नहीं हुआ है, सिर्फ फोन और लैपटॉप चोरी हुए हैं जो ये पीछे छोड़ गए थे ताकि इनकी डिनर डेट पे कोई डिस्टर्ब ना करे। मीरा एक साइकोलॉजिस्ट है और अपने पेशेंट से बात करती है। इसी दौरान बातों बातों में ये बात सामने आती है कि कैसे हेनरी ने मीरा को प्रपोज किया था। मीरा बताती है कि हेनरी ने उसे पहली डेट पर एक क्लॉक गिफ्ट किया था और उसे बोला था कि वो हमेशा उसके साथ ही रहे, और इसके बाद इन दोनों ने शादी कर ली थी और मीरा वो क्लॉक हमेशा अपने साथ रखती है। इसके बाद मीरा अपनी डॉक्टर से मिलने जाती है ये कंफर्म करने के लिए कि उसका कैंसर वापस आया तो नहीं है, और उसकी डॉक्टर उसे कंफर्म करती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे कैंसर नहीं है। इसके बाद डॉक्टर उससे पूछती है कि वो ठीक है या नहीं क्योंकि उसके घर में चोरी हुई थी। मीरा ये सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। पूछने पर उसकी डॉक्टर बताती है कि ये बहुत छोटा सा टाउन है, यहाँ सबके बारे में हर बात पता चल जाती है। मीरा डॉक्टर से बताती है कि उसका हस्बैंड हेनरी बहुत अच्छा है, उसकी बहुत केयर करता है और बहुत सपोर्टिव है। उधर हेनरी से मिलने डिटेक्टिव आता है और वो उससे पूछता है कि क्या उसे लगता है कि कोई उसका दुश्मन है। हेनरी कहता है कि ऐसा तो कोई नहीं है जो इतनी दूर तक बदला लेने आए। डिटेक्टिव कहता है कि उसके पास कुछ ऐसे लीड्स हैं जिन पर वो तहकीकात करेगा। डिटेक्टिव के कहने पर हेनरी पूरे घर में लॉक लगाता है, ऐसे लॉक जिसे वो फोन से कंट्रोल कर सकता है। मीरा के घर आने के बाद हेनरी उसकी हॉस्पिटल की फाइल देखता है और वो उससे पूछता है कि अगर वो हॉस्पिटल गई थी तो उसने बताया क्यों नहीं। मीरा कहती है कि वो खुद कंफर्म नहीं थी इसलिए उसने बताया नहीं। हेनरी उससे कहता है कि हमारे बीच में कुछ भी छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, एक रिश्ते की बुनियाद सच्चाई पर ही होती है। मीरा उसे इस बात के लिए सॉरी कहती है। हालांकि हेनरी बहुत खुश था कि मीरा बिल्कुल ठीक है। रात में जब मीरा जगती है तो घर में लाइट नहीं होती, इस पर वो हेनरी को भेजती है जनरेटर ऑन करने के लिए। हेनरी जब जाता है तो देखता है कि जनरेटर की पूरी वायरिंग निकली हुई है। जब वो अपने घर की तरफ देखता है तो उसे घर में कुछ लोग नजर आते हैं, इस पर वो भागते हुए घर के अंदर आता है। घर में जो लोग मौजूद थे उन्होंने मीरा को पकड़कर बांध दिया था। हेनरी चुपके से आता है और मीरा को आजाद करता है। हेनरी मीरा को लेकर बचते हुए एक प्लांट के पास जाता है और उस प्लांट से वो गन निकालता है। मीरा को घर में गन होने का कोई आइडिया नहीं था और इसे देखकर वो शॉक थी। तभी उनमें से एक की नजर इन पर पड़ जाती है और ये दोनों भागते हुए अपने बेडरूम में आ जाते हैं। हेनरी मीरा को बालकनी से नीचे उतरने में मदद करता है। मीरा भागते हुए कार के पास जाती है और कार स्टार्ट करने वाली होती है, तभी एक आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन गोली चलने की आवाज आती है। उस आदमी को हेनरी ने मार दिया था। घर में बाकी लोगों को भी हेनरी ने गोली मार दी थी। मीरा हेनरी पर नाराज थी कि उसने घर में बंदूक रखने की बात उसे नहीं बताई थी। हेनरी उसे बताता है कि जब हम सिटी में रहते थे तब से ये गन मेरे साथ है लेकिन मैंने तुम्हें बताई नहीं, अगर तुम्हें पता चल जाता तो तुम ये कभी मेरे पास रहने नहीं देती। तभी वहां पे पुलिस आती है और उन्हें पता चलता है कि उनके घर में तीन लोग मौजूद थे जिनमें से दो की मौत हेनरी की गोली की वजह से हो गई और एक आदमी अभी भी आईसीयू में है। हालांकि इन तीनों के खिलाफ चोरी डकैती के केसेस हैं। इसके साथ ही ये तीनों एक लड़की के गायब होने के केस में भी हैं और वो लड़की इनकी खुद की फैमिली से थी, ये तीनों भी एक ही फैमिली से थे। हेनरी और मीरा अपने घर में हाउस वार्मिंग पार्टी रखने वाले थे, इसके लिए हेनरी सामान लेने जाता है। हेनरी को बिल्कुल नॉर्मल देखकर मीरा उससे सवाल करती है कि कल ही तुमने किसी को मारा है तो तुम इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गए। हेनरी कहता है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने किसी को मार डाला लेकिन अगर मैं उन्हें ना मारता तो शायद आज हम जिंदा ना होते, और ये सब भूलने के लिए मैं खुद को नॉर्मल रख रहा हूँ। हेनरी चला जाता है तो मीरा को रियलाइज होता है कि हेनरी अपना वॉलेट भूल गया है। वो उसे फोन करती है लेकिन उसका फोन भी नहीं लगता। फिर वो डिसाइड करती है कि वो हेनरी के पीछे पीछे जाएगी उसका वॉलेट देने। मीरा जब उसके पीछे पीछे जाती है तो देखती है कि हेनरी शहर की तरफ ना जाकर हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली रोड पे मुड़ जाता है। उसका ध्यान हेनरी पर था इसलिए उसकी एक दूसरी कार से टक्कर हो जाती है। वापसी में वो जरा देर से लौटती है और हेनरी को सारी बातें बता देती है और उससे पूछती है कि तुम हॉस्पिटल की तरफ क्यों मुड़े थे। हेनरी कहता है कि उसने गलत टर्न ले लिया था, पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी हो रहा था
उसकी वजह से मीरा काफी डिस्ट्रेस हो गई थी, तो इसलिए हेनरी ये पार्टी कैंसिल कर देता है। और ये बात मीरा को उसकी कोवर्कर से पता चलता है। मीरा से मिलने डिटेक्टिव आता है। डिटेक्टिव से उसे पता चलता है कि तीसरा आदमी जो बच गया था उसकी मौत हो चुकी है। हालांकि वो हॉस्पिटल में ठीक हो रहा था, लेकिन सडन उसकी मौत हो गई। डिटेक्टिव से मीरा को पता चलता है कि ये डेथ उसी दिन हुई जिस दिन हेनरी ने गलत टर्न लिया था। मीरा को ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगी। टक्कर होने की वजह से उसकी कार बॉडी शॉप में थी, तो वो आज हेनरी की कार लेकर आई थी। और हेनरी की कार में जीपीएस लोकेशन में उसे एक दूसरी लोकेशन मिलती है और वो उस लोकेशन पे जाती है। वो लोकेशन एक ट्रेलर पार्क था। लोकेशन के हिसाब से वो एक घर के पास रुकती है। घर के बाहर खड़ी गाड़ी से उसे पता चलता है कि ये उन्हीं चोरों में से एक का था। जब वो घर के अंदर जाती है तो उसे एक एनवलप मिलता है। इस एनवलप पर हेनरी की कंपनी का लोगो था। वो और मेल चेक करने के लिए मेल बॉक्स पे जाती है, तो वहाँ उसे एक एनवलप मिलता है जिसमें एक कैमरा था। ये कैमरा पुलिस को भेजना था, लेकिन शायद रॉबर भेज नहीं पाया और उसकी मौत हो गई। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है और उससे सवाल जवाब करने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ कल भी आई थी। मीरा उससे बचते हुए वहां से किसी तरह निकल जाती है। घर आकर जब वो कैमरे का टेप चेक करती है तो वो वीडियो प्ले नहीं होती। इसके लिए वो एक दूसरा कैमरा खरीदती है। मीरा इस बात से परेशान थी कि हेनरी के एनवेलप उन चोरों के पास कैसे आए, और इसी बात का पता करने वो हेनरी के ऑफिस में जाती है। हालांकि उसे वहां कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, लेकिन उसे एक पेनड्राइव मिलती है। जब वो पेनड्राइव चेक करती है तो उसे कुछ फोटोज मिलती है। ये फोटोज उनके घर के कंस्ट्रक्शन के टाइम की थी, और उन्हीं एक फोटो में उसे वो चोर दिख जाता है। तभी हेनरी के आने की आवाज आती है। मीरा चुपचाप वहां से निकल जाती है, लेकिन हेनरी ने अपने ऑफिस की लाइट ऑन देख ली थी, तो वो उससे पूछता है। लेकिन मीरा कहती है कि नहीं, वो वहां नहीं गई थी। लेकिन फिर मीरा का फोन हेनरी के ऑफिस में मिलता है, तो वो इस बात का बहाना करती है कि वो वहां वैक्यूम करने गई थी लेकिन भूल गई। हेनरी इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। डिनर के टाइम पे भी मीरा परेशान थी, वो हेनरी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। तो इस पर हेनरी उससे पूछता है कि क्या तुम कुछ छुपा रही हो? अगर कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। रात में हेनरी के सो जाने के बाद वो फिर से पेनड्राइव चेक करती है, और उन इमेजेस में उसे गायब हुई लड़की की फोटो दिखती है। जो लड़की गायब हुई थी उसका नाम क्रिस्टीन था, और वो उन्हीं चोरों में से एक की बेटी थी। मीरा ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि अगर इन लोगों ने हेनरी के साथ काम किया है तो फिर हेनरी ने शुरुआत में इन्हें पहचानने से इनकार क्यों कर दिया। इसके बाद जब वो पुलिस के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन के किडनैपिंग के केस में पुलिस ने किसी और को अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद मीरा घर आती है और हेनरी से सवाल जवाब करती है। उसके खिलाफ जो भी उसे सबूत मिले थे वो सारे उसके सामने रखती है। हेनरी कहता है कि मेरे पास इस घर को बनाने के लिए पैसे कम पड़ रहे थे, तो IRS से बचने के लिए मैंने इन लोगों को इलीगल हायर किया था। अपनी कंस्ट्रक्शन और लेबर कॉस्ट में सारी गवर्नमेंट से छुपा रहा था। एक दिन डैलन की बेटी उससे मिलने आई। उन दोनों में किसी बात पर झगड़ा हुआ और डैलन अपनी बेटी के साथ मिसबिहेव करने लगा। इसके बाद मैंने उसे काम से निकाल दिया, लेकिन फिर वो मुझे ब्लैकमेल करता रहा कि वो गवर्नमेंट को सब कुछ बता देगा। इसके लिए मैं उसे कुछ पैसे देता था, इसीलिए वो एनवलप उसके घर पे थे। लेकिन उसके बाद मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसे पैसे देना बंद कर दिया। और इसी का बदला लेने के लिए उन लोगों ने हमारे घर पे अटैक किया था, इसीलिए मैंने पुलिस के सामने भी उन्हें पहचानने से इनकार किया था। मीरा को हेनरी की इन बातों पे विश्वास हो जाता है, और फिर वो अगले दिन उससे हाउस वार्मिंग पार्टी रखने के लिए कहती है। पार्टी शुरू हो जाती है और तभी मीरा की नजर पड़ती है न्यूज पे। न्यूज ये थी कि क्रिस्टीन के किडनैपिंग में जिसे गिरफ्तार किया गया था उसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे। इसके बाद मीरा का शक एक बार फिर से हेनरी की तरफ चला जाता है। वो वापस अपनी कार के पास जाती है और जो कैमरा उसने ऑनलाइन मंगाया था उसमें वो क्लिप चेक करती है। ये क्लिप डैलन की थी। इस वीडियो में डैलन कहता है कि उसे शक है कि उसकी बेटी के किडनैपिंग में हेनरी का हाथ है। जब क्रिस्टीन उससे मिलने साइट पर आती थी तो हेनरी उसे बड़ी अजीब नजरों से देखता था। वीडियो में वो आगे कहता है कि उसने हेनरी का घर बनते देखा है, तो उसे लगता है कि घर में कुछ ना कुछ है। वीडियो में वो आगे कहता है कि कुछ दिन पहले वो अपने कुत्ते के साथ हेनरी के घर में गया था, जहां कुत्ते ने हेनरी के ऑफिस में भौंकना शुरू कर दिया था। शायद उसे कुछ सुराग मिला हो। इसके बाद मीरा सीधे हेनरी के ऑफिस पहुंचती है, और वहां पहुंचकर वो अपने घर की फ्लोर प्लान्स ढूंढती है। फ्लोर प्लान से उसे पता चलता है कि हेनरी के ऑफिस से एक रास्ता खुलता है। ये रास्ता चार्जिंग सॉकेट के पीछे था। एक बटन दबाने से रास्ता खुलता है जो सीधा बेसमेंट में जाता है। जब वो बेसमेंट में जाती है तो वहाँ एक लड़की को बंधा हुआ पाती है। ये लड़की क्रिस्टीन थी। मीरा को देखकर क्रिस्टीन रोने लगती है। मीरा उसे समझाती है कि वो उसे यहाँ से छुड़ा कर ले जाएगी। तभी वहाँ पर हेनरी आता है। मीरा उसे सवाल करती है कि क्रिस्टीन यहाँ पर क्या कर रही है, तुम क्रिस्टीन के साथ क्या करते हो? हेनरी कहता है कि ये उसका एक पार्ट है।
उसका दिमाग हमेशा उसे इस तरह की कुछ चीजें करने को कहता है, अगर वो ना करे तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, जिस तरह से कैंसर के टाइम पे तुम डिप्रेशन में आ गई थी। मीरा को हेनरी की बात समझ नहीं आती और वो पुलिस को फोन लगाती है। मीरा फिर ये समझ जाती है कि हेनरी ने ये घर उन दोनों के रहने के लिए नहीं बल्कि अपने इस तरह की अर्जेस को पूरा करने के लिए बनाया है। लेकिन हेनरी उसका फोन तोड़ देता है और उसे हाथ पर बांध देता है। इसके बाद वो ऊपर जाता है और घर के सारे गेस्ट को बहाना बनाकर वापस भेज देता है। इधर मीरा क्रिस्टिन से पूछती है कि तुम यहाँ कितने दिनों से बंद हो और हेनरी तुम्हारे साथ क्या करता है। क्रिस्टिन कहती है कि जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को यहीं पाया था, वो कितने दिनों से बंद है उसे ये भी नहीं मालूम। हेनरी जब भी नीचे आता तो वो बस उसे देखता रहता। काफी कोशिश के बाद मीरा खुद को रस्सियों से छुड़ा लेती है और इसके बाद वो क्रिस्टिन को भी आजाद कर देती है और वो दोनों छुप जाती हैं। हेनरी जब नीचे आता है तो वो मीरा से कहता है कि अब हमारे बीच में कोई ऐसे सीक्रेट्स नहीं होंगे, मैंने अब तक तुम्हारी परेशानी में साथ दिया है तो अब तुम मेरी परेशानी में साथ देना। लेकिन तब तक मीरा और क्रिस्टिन ऊपर की तरफ भागने लगते हैं, हेनरी भी उनके पीछे भागता है। इससे पहले कि वो दोनों घर से बाहर भाग पाए, हेनरी अपने मोबाइल से सारे घर को लॉक कर देता है। मीरा और क्रिस्टिन छुप जाती हैं। इसके बाद उन्हें ढूंढता हुआ हेनरी कहता है कि आप जिससे प्यार करते हैं आपको उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। हेनरी मीरा से बाहर आने को कहता है लेकिन मीरा बाहर नहीं आती। इस पर हेनरी कहता है कि तुम उस लड़की का क्या करोगी, क्या तुम उसका ख्याल रखोगी, तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो तुम किसी और का ख्याल कैसे रखोगी। इसी के साथ वो मीरा को ढूंढ लेता है, मीरा को मारकर वो बेहोश कर देता है। क्रिस्टिन को पकड़कर वो बेसमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। क्रिस्टिन को बेसमेंट में लाकर वो उसे चेयर से बांध देता है और उसे मारने वाला होता है। तब तक मीरा को होश आ जाता है और वो बेसमेंट पहुंचकर हेनरी के सर पे जोर से वार करती है। ये बार उसने उसी क्लॉक से किया था जो हेनरी ने फर्स्ट डेट पे उसे गिफ्ट किया था। हेनरी की वहीं पे मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मीरा इस घर से मूव ऑन कर जाती है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।